Dr. Sana Khan and welcome you all to my channel that is Neat Biology Unplugged. So, आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे something from the chapter Kingdom Animalia. See, Kingdom Animalia में सबको पता है वहां पर phylums है, classes है, right? Different body plans वगैरह है, काफी सारी चीजें और भी है जो आपको पढ़नी होती है. But आपने हमेशा कैसे पढ़े होंगे phylum? एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, correct? बट यहाँ पर आई हैव कम अप विद अ सेपरेट समथिंग डिफरेंट आइडिया दैट इज स्टडिंग द फाइलम्स टुगेदर. यस, हम फाइलम्स को पढ़ेंगे साथ में बाय अ वेरी वेरी इजीएस्ट मेथड दैट इज डिफरेंशिएशन. अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैम हमेशा बोलती है कि डिफरेंशिएशन हो गया या फिर फ्लो चार्ट्स हो गया, डायग्राम बेस्ड हो गया. अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो इट गेट्स रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन. प्लस हमें याद भी आता है, अरे यार ये पॉइंट ये था, वो पॉइंट ये था, हमने ऐसे बुक में लिखा था, करेक्ट. सो आज हम क्या करेंगे? आज हम तीन फाइलम्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, हम तीन फाइलम्स एक साथ पढ़ेंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके तीन फाइलम्स इतने फटाफट से हो गए. ठीक है, तो देखते हैं आज हम कौन से फाइलम्स पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं प्लैटिहेलमिंथस, एस्कैलमिंथस एंड एनिलिडा. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तीन फाइलम्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अवर प्लैटिहेलमिंथस, एस्कैलमिंथस एंड एनिलिडा. ठीक है, आगे भी आई विल बी पुटिंग अप द वीडियोस जहां पे मैं आपके बचे हुए फाइलम्स को भी डिफरेंशिएशन पॉइंट में करवा दूंगी. ठीक है, तो चलो लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स दैट वी नीड टू स्टडी. सी हियर आई हैव रिटन ऑल द फीचर्स. ठीक है, फिर वो फीचर से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्या लिखना है इन डिफरेंट फाइलम्स. ठीक है, तो ऐसे मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है. यू कैन ऑल्सो मेक इट इन योर बुक्स एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी इन द सेम मैनर. आई गारंटी दैट आपको ये तीनों फाइलम्स फटाफट से याद हो जाएंगे. ठीक है, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा. सबसे पहला पॉइंट है बेटा हैबिटेट. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? सबसे पहला पॉइंट है हैबिटेट, मतलब ये लोग कहाँ रहते हैं. वेयर डज द प्लैटिहेलमिंथस आर फाउंड, कहाँ पर एस्कैलमिंथस दिखेगा आपको और कहाँ पर एनिलिडा. ठीक है, सो जो प्लैटिहेलमिंथस है दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट. एंडो पैरासाइट मीन्स समथिंग दे आर विद इन द बॉडी. एंडो मतलब इन साइड, सो दीज आर द पैरासाइट विच आर फाउंड इन साइड द बॉडी. And few are free living. Free living का मतलब क्या होता है? They are not directly dependent for their living on somebody. ठीक है, free living का मतलब क्या होता है? Not directly dependent on some other organism for their living. ठीक है, they are parasitic form. Okay, जो parasitic form होंगे उनके ऊपर होंगे hooks and suckers. क्या होंगे? Hooks and suckers. See something like this. ठीक है, okay. So these are the body of the platyhelminthes. फिर यहाँ पर होता है hooks और यहाँ पर होता है sucker. अब ये hook और sucker का importance क्या है? Hooks और suckers क्या करते हैं? ये body को attachment करने के लिए काम आते हैं. Because these are endoparasites. ये हमारी body के अंदर है, तो वो body से attached होंगे with the help of this hooks and suckers. Very important, do remember. ठीक है, सो वेरी इजी. हैबिटेट क्या था? एंडो पैरासाइट, फ्यू आर लिविंग. एंडो पैरासाइट तो बहुत क्लियर है कि कुछ तो चाहिए भाई अटैचमेंट के लिए, एंड दैट इज योर हुक्स एंड सकर्स. अब आते हैं हम एस्कैलमिंथस पे. एस्कैलमिंथस आर पैरासिटिक अगेन. ठीक है, वो भी पैरासाइट है. फ्यू फॉर्म्स आर फ्री लिविंग. आई हैव डन व्हाट आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री लिविंग. एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल. ठीक है, तो ये इसका दिस इज द हैबिटेट ऑफ एस्कैलमिंथस. That is, they are parasitic, free living, aquatic and terrestrial. And Annelida mein, let us see the habitat. It is aquatic. Aquatic mein either marine water ya phir fresh water. Kahin par bhi ho sakte hai. Terrestrial hai, free living hai and sometimes it is parasitic. See, it is so easy. ठीक है, yes it is easy or not. हमारा तीनों habitat एक साथ हो गया. So we are studying three phylums in one differentiation. Okay, so let us go further. अब आते हैं हम सीलम पे. दीज आर द जनरल पॉइंट्स व्हिच आई हैव रिटन. इसके बाद में हम और डिफिकल्ट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, सीलम, एवरीबॉडी नो व्हाट इज सीलम. इट इज द बॉडी कैविटी, और एल्स आई कुड हैव रिटन बॉडी कैविटी ओवर हियर. ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो यार. सो इट इज ए सीलोमेट, राइट? नो बॉडी कैविटी. एस्कैलमिंथस आर सुजो सीलोमेट, दैट इज दे हैव अ फॉल्स बॉडी कैविटी. And Annelida are coelomate, मतलब they have a proper true body cavity. ठीक है, let us go to the next one, that is the germ layer.
okay, that you already know that three germ layers होते हैं, yes, ectoderm, endoderm and mesoderm. तो अगर तीनों है तो it is triploblastic, दो है तो diploblastic, ठीक है. So platyhelminthes में they are triploblastic, here also they are triploblastic, here also they are triploblastic. तो तीनों के तीनों है triploblastic. अब इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं, ठीक है. Next come to the point symmetry. ठीक है, सिमेट्री में दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ. हियर आल्सो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, हियर आल्सो दे आर बायलैटरल, बट दे शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन. नाउ व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन? उनकी जो बॉडी होती है दे आर डिवाइडेड इनटू लीनियर सेक्शंस लाइक दिस, ओके. और इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सो सिमेट्री भी तीनों की तीनों सेम है, दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. बस आपका जो एनिलेटर होगा इट विल बी शोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है. ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, दे हैव अ ट्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है. एनिलेटर हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर्स. सी दीज वर द जनरल फीचर्स, मतलब कुछ नहीं तो ये तो लिखना ही है एग्जाम में. Because these are very easy to remember. Now let us come to the next point. That is, what are their body features? ठीक है, body wise उनके पास कौन-कौन से features होते हैं? So if you see the platyhelminthes, they are dorso-ventrally flattened. Dorso-ventrally means posteriorly भी और anteriorly भी, दोनों side से. ये देखो ऐसे, इधर से भी, दोनों side से they are flat. इसीलिए हम उनको बोलते हैं flatworms. ठीक है. So why platyhelminthes are called as flatworm? Because दोनों भी साइड से, dorsally that is posteriorly, ventrally that is anteriorly, दोनों भी साइड से they are flat. ठीक है. Covered by cuticle in parasitic form. उनके दो form है, parasites और free living. So जो cuticle, cuticle is the upper covering of the skin, ऊपर की जो skin की covering होती है उसको हम cuticle बोलते हैं. So they are parasites form में cuticle होता है, free living में they have cilia like this. Okay, when you come to escalimenthes, ठीक है, escalimenthes में they are long, cylindrical, thread-like, circular in cross section. See, they are very much long like this. ठीक है, cylindrical shape का होता है, पतले है, thread-like है. And जब हम इसको cut करते हैं, तो अंदर से वो गोल दिखते हैं. ठीक है, when you cut it, they look circular and that is why they are called as roundworms. ठीक है, so ये common names हैं जो आपको याद रखने हैं. Escalimenthes are also called as roundworms. ठीक है, so जो again your body is covered by tough and resistant cuticle. Body wall has longitudinal muscle but it has no circular muscle. See usually क्या होता है, ये देखो ऐसे longitudinal muscles होते हैं और ऐसे आपके circular muscles होते हैं. तो इनकी जो body wall है उसमें ये circular muscles नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ longitudinal muscles होते हैं. ओके, सो इफ यू सी वन पॉइंट इज ऑलमोस्ट सेम दैट दे आर कवर्ड बाय क्यूटिकल. ठीक है, बाकी आपको याद रखना है दैट दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, थ्रेड लाइक, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज राउंडवर्म. एंड बॉडी वॉल हैज लॉन्जिट्यूडनल मसल बट नो सर्कुलर मसल. नाउ लेट अस गो टू द लास्ट वन, दैट इज एनिलिडा. ठीक है, सो एनिलिडा कंसिस्ट ऑफ स्लिटेलम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये स्लिटेलम है क्या, ये देखो, लेट अस ड्रॉ एनिलिडा का एक कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, दैट इज अर्थवर्म. ठीक है, इनफैक्ट यू हैव अर्थवर्म इन डिटेल इन योर एनसीईआरटीज ऑल्सो. ठीक है, इफ दिस इज योर अर्थवर्म, तो यहां पर उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्लिटेलम. क्या बोलते हैं उसको बच्चा? वी कॉल इट एज स्लिटेलम. तो अब ये स्लिटेलम है क्या? ये स्लिटेलम इज लाइक अ ग्लैंड. ठीक है, ये विस्कस सैक जैसा है जहां पर एग्स कैन बी स्टोर्ड. ठीक है, so it consists of slitellum, very important for MCQ. locomotion is there by longitudinal and circular muscle. देखो हम ना याद रख सकते यार, इधर पे सिर्फ longitudinal muscle थे तो इधर पे क्या था? longitudinal and circular दोनों muscles थे जिसके वजह से they were able to move. exchange of gases takes place through body wall, मतलब उनके पास obviously well developed respiratory centers नहीं है इसलिए the exchange of gases takes place through body wall. And locomotory structures, मतलब उनको move करने के लिए they have locomotory structures, right? So जिसमें से the first one are sitae, okay? Sitae are present in earthworm, very important for MCQs. Parapoidea is present in nereids,
एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन लीच. ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म नीरीज लीच ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके एनिलिडा में. तो अर्थवर्म में देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सिटेट जिसके वजह से अर्थवर्म मूव होता है. पेराफोइडिया इज प्रेजेंट इन नीरीज में समथिंग इट इज लाइक दिस. ओके, नीरीज का पेराफोइडिया एंड सकर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पर, जो ऑल्सो हेल्प इन मूविंग. एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो आई विल बी अटैचिंग एज मच एज यू नो इमेजेस आई कैन, जहां पर भी मुझे लगता है यार ये इमेज मेरे बच्चों को पता होना चाहिए. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पेराफोइडिया नीरीज देखना है तो मैं उसका इमेज जरूर अटैच करूंगी एट द एंड ऑफ माई वीडियो, प्लस सारे एग्जाम्पल्स का इमेजेस ऑल्सो आई विल बी अटैचिंग. ठीक है, सो जस्ट लेट अस रिवाइज टू द फीचर्स विच वी हैव डन. द फर्स्ट वन इज हैबिटेट, सेकेंड इज सीलिंग, थर्ड इज जर्म लेयर, नेक्स्ट इज योर सिमेट्री, देन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इज योर बॉडी फीचर्स. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सारे सिस्टम्स करेंगे लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट फीचर्स दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो जो प्लैटीहेलमिंथस का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एब्सेंट है इन पैरासिटिक फॉर्म. पैरासाइट्स, दीज आर एंडो पैरासाइट, उनको वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम द अदर्स. ठीक है, इनकम्प्लीट दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, या फिर वो एब्सेंट होगा या फिर वो इनकम्प्लीट होगा. इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. यहाँ पर दे हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक अ सैक, सो इट्स लाइक अ सैक. ठीक है, जिसके अंदर डाइजेशन होता है एंड देर इज वन ओपनिंग, देर इज अ सिंगल वन ओपनिंग जहां से इजेशन भी होगा, मतलब द प्रोडक्ट्स विल गो आउट ऑल्सो एंड इंजेशन भी होगा. ओके, सो व्हाट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इट्स लाइक अ सैक वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड इट हैज ओनली वन ओपनिंग जहां पर इंजेशन और इजेशन दोनों एक ओपनिंग से होता है. ओके, एस्केरामेंथस में इट इज कम्प्लीट विथ माउथ एंड एनस, मतलब वन साइड इट विल बी माउथ एंड द अदर साइड इट विल बी एनस, विच इज कम्प्लीट. Pharynx is well developed and muscular. And Anelida may also the digestive system is completely developed. Let us come to the next one, that is excretion and osmoregulation. So excretion and osmoregulation का आपको 11th standard में एक chapter भी है. इसीलिए बच्चा आपको हर एक phylum का और हर एक class का detail version तो मैं नहीं बोलूंगी, but at least वो words में आना चाहिए कि okay Anelida का क्या है excretory system, Porifera का क्या है, मोलस्का का क्या है, आर्थ्रोपोडा का क्या है. आपको सारे के सारे फाइलम्स और क्लासेस का एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम्स. ठीक है, वो आपके चैप्टर्स को लिंक करके आपको मैच द कॉलम देकर आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, सो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में प्लैटीहेलमिंथस में इट इज द सेल विच इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्राइडिया. क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोनेफ्राइडिया. सो फ्लेम सेल्स आर समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसे कुछ फ्लेम सेल्स होते हैं. ओके, विच परफॉर्म एक्सक्रीशन. एस्केलेमेंटस में इट इज कैनाल्स और ग्लैंड सेल्स एंड इट इज एलिमिनेटेड थ्रू एक्सक्रीटरी पोर. नाउ अंडरस्टैंड दिस, सी व्हाट हैपेंस इन एस्केलेमेंटस, कैनाल और ग्लैंड सेल्स आर द सेल्स जहां पर डाइजेशन होता है. ओके, ये दो सेल्स में डाइजेशन होता है और वो जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो निकलता कहां है, थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. ओके, एंड द लास्ट वन इज योर एनिलिडा वेयर द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन इज कॉल्ड एज नेफ्राइडिया. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, हियर इट इज प्रोटोनेफ्राइडिया एंड हियर इट इज नेफ्राइडिया. नेफ्राइडिया के बारे में आप तो अर्थवर्म में इन डिटेल पढ़ चुके होंगे या फिर अभी पढ़ोगे. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लैटीहेलमिंथस में दे आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मतलब यू कैन सी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन वन एनिमल ओनली. सो ओके, दे आर कॉल्ड एज बायसेक्सुअल एंड इसीलिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एक साथ होते हैं, इसीलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैन बी सी. एंड इफ यू कम डाउन टू योर एंड एस्केलेमेंटस में सो एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट सेक्स, सो दे बी कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अंदर होता है फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट मे और मे नॉट इंक्लूड लार्वल स्टेज, मतलब जो यंग वंस की जो डेवलपमेंट है उसमें ये लार्वल स्टेज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ओके, सी एस्केलेमेंथस जैसे ही वर्ड आता है एवरीबडी नोज दैट इधर पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल इज एस्कैरिस, राइट. तो एस्कैरिस
male and female में you can be asked the differentiation. Okay, कि male ascaris और female ascaris का differentiation क्या है. Okay, so female ascaris is comparatively longer and broader and male ascaris जो है वो छोटू है and it is पतला. Okay, narrower है. Okay, it's like this, पतला है नीचे से. Okay, so it has a straight posterior end. इसकी जो posterior end है वो ऐसी straight है, but male की जो posterior end है it is like this, it is curved. And it consists of a pair of penile setae for copulation. ठीक है, तो इसके पास penile setae होता है for copulation. ठीक है, so this is a differentiation between female and male ascaris, very important. ठीक है, now let us come to the last one, that is anelida का sexual production. So here also they are hermaphrodite, but few must be dioecious. Okay, कुछ hermaphrodites है, okay, कुछ dioecious है और कुछ monoecious है. Dioecious में you have an example of Nereis and monoecious में you have an example of earthworm and leech. ठीक है, so reproduction over here is also sexual because they are different, they have male and female reproductive structures. ठीक है, so this is about the reproduction of all the three. याद रखो ये properly hermaphrodite है. ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ ये sexual dimorphism शो करते हैं and यहाँ पर कुछ hermaphrodite है और कुछ dioecious है. ठीक है, ओके सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम. सी इन योर टेक्स्ट बुक्स एंड इन योर एनसीईआरटी देयर इज नथिंग टू बी रिमेंबर्ड इन प्लेथिएलमेंथस फॉर नर्वस सिस्टम. ठीक है, बट व्हेन वी कम टू एस्केलेमेंथस सो योर द नर्वस सिस्टम इज लाइक अ रिंग. ओके, सो इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक अ रिंग एंड इट ऑल्सो हैव नर्व्स. एंड एनीलिडा में द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मतलब उनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो आगे के तरफ होती है, पेड गैंग्लिया विच आर कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड. सी दीज आर द पेड गैंग्लिया. ठीक है, ऐसे पेड गैंग्लियाज होते हैं एंड दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज लैटरल नर्व्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? लैटरल नर्व्स. और ये जो पेड गैंग्लिया है जो आगे के तरफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसको भी कनेक्टेड होती है. Okay, so it is connected like this. Okay, so remember that it has nerve ring, ventral nerve cord and paired ganglia which are connected by lateral nerves. ठीक है, when we come down to the circulatory system, so again platy और escalamentus में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, but in anelida you have to remember that they show a closed type of circulatory system. And the last point over here is examples. मतलब यहाँ पर हो जाती है हलचल because बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं. इतने सारे एग्जाम्पल्स है हमारे चैप्टर में, लाइक किंगडम प्लांटे में है, मॉर्फोलॉजी में है, किंगडम एनिमेलिया में है, और भी बहुत सारे हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, बट यहाँ पर एग्जाम्पल्स उतने ज्यादा नहीं है. और अगर आप मेरा एग्जाम्पल सीरीज का वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर नोट्स बना रहे हो फॉर ऑल द एग्जाम्पल्स. एंड एज आई हैव सेड, यू जस्ट नीड टू रीड द एग्जाम्पल्स एटलीस्ट फॉर 10 to 15 डेज डेली. ठीक है, और इसको आपको हर 10-15 दिन में रिपीट करना है. आप 15 दिन पढ़ो, फिर 15-20 दिन का ब्रेक लो और फिर पढ़ो. ऐसे करके आपके सारे एग्जाम्पल्स का नोट्स बन जाएगा और आपके दिमाग में फटाफट से याद हो जाएंगे. ठीक है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी का वीडियो आ चुका होगा. सो उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल सीरीज है वो एक्चुअली किंगडम एनिमेलिया का ही है. ओके, तो वहां पर आपको अगेन मैं किंगडम एनिमेलिया के सारे एग्जाम्पल्स एक साथ दे दूंगी. सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेथिएलमिंथस. सो प्लेथिएलमिंथस का एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया, टीनिया, फेसिओला. वेयर टीनिया इज कॉल्ड एज टेपवर्म एंड फेसिओला इज कॉल्ड एज लिवर फ्लू. ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल्स है? प्लेनेरिया, टीनिया एंड फेसिओला. ओके, सो इट इज पीटीएफ. ओके, क्या है? पीटीआर होता है ना, पीटीआर, उसके बदले आपको क्या याद रखना है? पीटीएफ, प्लेनेरिया, टीनिया, फेसिओला. ठीक है, टीनिया का कॉमन नेम इज टीटी है तो टेप वर्म, फेसिओला का कॉमन नेम इज लिवर फ्लू. ठीक है, अगेन आई बी पुटिंग द वीडियोस ऑन द कॉमन नेम्स आल्सो. ठीक है, चलो अब आते हैं एस्केलेमेंथस. एस्केलेमेंथस से नाम से ही पता है भाई, एक एग्जाम्पल तो पक्का ही एस्केरिस है. ठीक है, सो हियर इट इज एस्केरिस. बूचेरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिलेरियल वर्म. एंकाइलोस्टोमा जिसको हम हुक वर्म बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर इट इज ए स्क्वेर डब्ल्यू. ठीक है, या फिर आप उसको याद रखो वाह वाह वाह, क्या बात है वैसे. ठीक है, वाह कैसे याद रखेंगे अब इसको? वाह.
ओके सो बूच एरिया एस्केरिस एनकाइलोस्टोमा. सो जब भी आप बोलोगे एस्केलिमेंथस तो याद रखना एस्केलिमेंथस वा. सो वा के क्या होगा बूच एरिया एस्केरिस एंड एनकाइलोस्टोमा. ठीक है अब आ जाते हैं एनिलिडा. एनिलिडा में सबको पता है कि वन कॉमन एग्जाम्पल इज अर्थवर्म जिसको हम फेरिटिमा बोलते हैं. सो अदर्स आर नीरीज एंड हिरुडिनेरिया जिसको हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग ब्लड सकिंग लीच. तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं PNH. ठीक है सो इट इज फेरिटिमा. देखो बहुत क्लियर है फेरिटिमा नीरीज एंड हिरुडिनेरिया. ठीक है सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिडा विच वी नीड टू रिमेम्बर. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बात जो आपको याद रखनी है देखो ये सारा डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में लिखा था सिर्फ एक पॉइंट है जो थोड़ा सा अलग से याद रखना है दैट इन प्लेजिहेलमिंथस दे हैव अ हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन स्पेशली द प्लेनेरिया. प्लेनेरिया के पास क्या एबिलिटी होती है इट हैज एन एबिलिटी टू रीजेनरेट एंड इट ऑल्सो शोज पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स मल्टीपल एम्ब्रियोज एट वन टाइम. ठीक है तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है. और आपको कॉमन नेम याद रखने दैट इज फ्लैटी हेलमेंथस का मतलब है फ्लैट वर्म. फ्लैटी का मतलब ही होता है फ्लैट सो दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म. एस्केलिमेंथस को हम निमैथ हेलमेंथस भी बोलते हैं ये भी याद रखो. ठीक है वेयर एस्केल का मतलब क्या होता है सैक. एस्केल का मतलब क्या होता है सैक. तो इसीलिए ये सैक टाइप ऑफ अर्थवर्म्स सॉरी सैक टाइप ऑफ वर्म्स होते हैं. एंड निमैल का मतलब होता है थ्रेड. सो दीज आर थ्रेड सैक लाइक वर्म्स बिकॉज हेलमेंथस का मतलब क्या होता है वर्म्स. और इनका कॉमन नेम इज राउंड वर्म्स. एनिलिडा एनिलिडा को हम रिंग वर्म बोलते हैं ओके या फिर हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं. सो दिस कंप्लीट योर थ्री फाइलम्स इन वन वीडियो. दो द वीडियो इज लॉन्ग बट आप ये भी देखो यार ये वीडियो में तीन फाइलम्स एक साथ मैम ने डिफरेंशिएशन फॉर्म में कर लिए. तो अब आपका काम क्या है फटाफट से पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखना. दूसरा काम है आपको आपके नोट्स बनाना. ठीक है एक ही पेज में आप बुक को थोड़ा टेढ़ा रख के आप पेजेस पे अपने सारे तीनों के तीनों फाइलम्स एक साथ लिख लो उसको दो चार बार रिवाइज कर लो. आई गारंटी आपको फटा से याद हो जाएगा. ठीक है सो अगर आपने ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो शेयर करो एंड जितने लोगों को हो सके आप बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है सो योर आई विल टेक अ लीव एंड आई विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट फ्यू फाइलम्स. टिल देन बाय टेक केयर हैव फन स्टडी पूरे जोश के साथ पढ़ाई करो एंड सी यू सून.